Hello everybody, I'm Krishna Abhishek and you're watching The Kapil Sharma Show. Subscribe to Live Comedy and hit the bell icon. Hello everybody! And welcome to The Kapil Sharma Show! सबसे पहले तो आप सभी को गणेश चतुर्थी की ढेर सारी शुभकामनाएं। गणपति बप्पा मोरिया। सिद्धू जी, इस बार मैं गणपति जी की स्थापना कर रही हूँ और मैंने घर में ही प्रसाद बनाया है, इसीलिए कोई भी ऐसे ही नहीं जाएगा। सब के सब मेरे हाथ में हजार हजार रुपए दे के जाएंगे चंदे का। पता है आपको मैंने गणेश जी की स्थापना क्यों की? ताकि सबकी मनोकामनाएं पूरी हो जाए। वैसे तो इस उम्र में मेरी कोई खास मनोकामना है नहीं, बस बेचारे कप्पू का अकेलापन मुझे देखा नहीं जाता, इसीलिए मैं गणेश जी से प्रार्थना करती हूँ, गणेश जी जल्दी से कप्पू को एक नाना दे दे। I love you. खैर, मंडप सजाने वाले को बुलाई थी मैं, आया क्यों नहीं अब तक मोया? Excuse me. हाँ जी, यहाँ पर एक बदतमीजी बुढ़िया है पुष्पा, उसका नाम है, आप बता सकते कहाँ पे मिलेंगे वो? मैं ही हूँ पुष्पा। हे पुष्पा, आप कौन? मेरा नाम है जी अरेंज कुमार, हम सेटिंग करते हैं। सेटिंग करता है? हाँ जी। पहले अपनी मूंछों की सेटिंग कर, तेरी राइट वाली जो है ना लेफ्ट से 10 मिनट पीछे चल रही है। वो कुछ नहीं, उनको फ्रीडम दी हुई हमने, आप टेंशन ले, आपको पता है मैं हर तरह की सेटिंग कर लेता हूँ। आपको पता है वो हांगकांग का, वो पहले खाली खाली हांग था, कांग हमने सेट करके दिया है उनको। खैर छोड़िए, आप ये बताइए आपको क्या अरेंज करवाना है? ये आप देख रहे हैं ना, गणेश जी की स्थापना की है हमने, है ना, तो इनके पूजा के लिए मुझे पूजा की जो सामान होते हैं ना उसकी जरूरत है। पूजा के लिए अगर सामान चाहिए तो पूजा से लेते, मुझे कॉल क्यों की आपने? पूजा करने के लिए, पूजा करते हैं ना, टिंग 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 टिंग, उसके लिए जैसे अगरबत्ती है, कपूर है। मिल जाएगा कपूर? कौन सा चाहिए, ऋषि कपूर चाहिए, रणवीर कपूर चाहिए? ए, बिना डेटा के 4G मोबाइल वाला कपूर नहीं, अच्छा चलाने वाला कपूर। ओहो, अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं, वो भी मिल जाएगा, उसके साथ हम आपको समंदर भी देंगे 4 बच्चे का। मेरे गनु बाबा जो है ना वो इको फ्रेंडली है, इनको तो हम घर में ही विसर्जन कर देंगे। आप एक काम कीजिए, यहाँ पे जो मंडप होगा ना, मंडप बनेगा जी जी। उसके लिए गुलाब का फूल ला दो बस। तो हो जाएगा, गुलाब का फूल भी हो जाएगा, लेकिन हम आपको गेंदे का फूल देंगे और खुशबू हम आपको गुलाब की डाल देंगे उसमें। गेंदे के फूल से गुलाब का खुशबू कैसे? डीओ रखे हुए ना हमने, कोई भी खुशबू चाहिए होगी हम उसमें फेंक देंगे। अब ये बताइए लाइट का क्या अरेंजमेंट, लाइट कैसी चाहिए आप? लाइट तो ऐसी होनी चाहिए जी कि रात में भी दिन लगे। कोई बात नहीं, हो जाएगी, हम सूरज से स्टे ले लेंगे, 11 बजे तक उसको रोक लेंगे। अच्छा, हाँ जी हाँ जी। तो तू गन्नू बाबा से कुछ सद्बुद्धि क्यों नहीं ले लेता बे? जब से आया छोड़े जा रहा है, छोड़े जा रहा है, छोड़े जा रहा है, सूरज को कौन रोक सकता है यार? बाप का माल है, और सूरज मेरे लाइट मैन का नाम है, मेरी बड़ी सुनता है। हो जाएगा, आप ये बताइए आपको लाइट कितने वोल्ट की चाहिए? 20 वोल्ट की चाहिए, 50 वोल्ट की चाहिए, 100 वोल्ट की चाहिए? मेजरमेंट तो मुझे नहीं पता, हिसाब से तू ही लगा ले। हाँ जी हाँ जी, कोई बात नहीं, इधर आओ, इधर आओ। अच्छा, हाँ बड़ा पकड़िए। आप डांस क्यों कर रही हैं? डांस नहीं कर रही। क्या करें आप? इलेक्ट्रिक का झटका लग रहा है। हेलो हेलो, अरे डॉक्टर डॉक्टर, अरे यार कोई डॉक्टर को बुलाओ। आई एम माई सेल्फ डॉक्टर मिश्र गुलाटे, GBM GBM मतलब गणपति बाप्पा मोरिया। आप डॉक्टर हैं? नहीं, मैं बिल्ली हूँ। अच्छा। नहीं डॉक्टर हूँ यार, ये व्हाइट कोट पहना हुआ। नानी नानी नानी, हाँ नानी, पंडित जी नहीं आ रहे हैं। हाँ देखो, इसे कहते हैं कॉन्फिडेंस, कहते हैं पंडित जी नहीं आ रहे हैं, उनको पता है भी मेरी दवा से तो काम होगा नहीं, तो दुआ की जरूरत है ना, पंडित के पास चलेगी। वेरी नाइस यार, इनको होश में लाइए, ये मुझे बिना एडवांस दिए चली गई हैं। ये बेहोश हैं? हाँ जी। हाँ तो मैं लाती हूँ ना होश में, एक मिनट हटिए। हाँ।
मुझे जुराब किसने सुंघाया? नहीं, जुराब किसी ने नहीं सुंघाया, दिस इज सेल्फ मेड ऑक्सीजन। और आपको पता है पंडित जी नहीं आ रहे हैं। क्यों? उनका कहना है कि पिछली बार जब वो आए थे तब आपने उनकी दक्षिणा छीन कर उनको गले पे काट लिया था। खैर छोड़, ये बता तुझे मोदक लाने के लिए कहा था ना, मोदक कहाँ है? हाँ वो तो कहीं गिर गए। तेरे पेट में गिरा होगा मोदी। अब आप बात सुनो, आप बिल्ली को कहोगे कि दूध ले आ, वो तो रास्ते में पिएगी ना। वो घूमने वाली छतरी लाने वाली थी, क्या हुआ, किधर है वो? वो घूमने वाली छतरी मैं ही ला रहा था, वो रास्ते में घूम गई। अरे ये तो छोड़ो लाले, इसको छोड़ो, मैं बेहोश हो गई थी, मुझे तो कुछ पता नहीं। मैं क्या कहती हूँ, गनु बाबू को अंदर लेके जाते, स्थापना करते, सजावट करते, उसके बाद देखते। ए तू दूध लाई? हाँ तो दूध मैं मंगा लेती हूँ ना। ए चंदू जरा दूध लाना। अभी लेकर आया। चंदू तू? हाँ ऑर्गेनाइजर बनकर तू हमें लूटना चाहता है मोया? मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। एक्चुअली मैं भी कहूँ ना, ये मूंछ ऐसी होती है, ऐसे इसी की जैसी मूंछ किसकी होती है भाई? देखो मेरा काम थोड़ा ढीला चल रहा था, मैंने सोचा थोड़ी सी डकैती मार लेता हूँ। मैं तेरी ना, एक मिनट, मेरा हाथ छूट चुका है। अभी जोड़ ले, हाथ जोड़ ले। गनु बाबा के सामने ऐसा नहीं करते। आज अच्छा दिन है, तुझे माफ कर दिया हमने। चलो पहले गनु बाबा को अंदर लेके चलते है। हाँ? आ जाओ। 1, 2, 3, 4 गणपति जी की जय जयकार। 5, 6, 7, 8 गणपति है हमारे साथ। 9, 10, 11, 12 गणपति है सबसे प्यारा। गणपति बाप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति। गणपति बाप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया। परी जैसे कोई खूबसूरत हिरण आती है तो आप खुश होते हैं? हाँ मैं भी होता हूँ ऑफ कोर्स। एक होता है जब क्रिकेटर्स आते हैं, आप बड़े खुश होते हैं, दिल की घंटियां बजती हैं। जी बिल्कुल। लेकिन आज जो यहाँ पे आ रहे हैं वो हमारे मेहमान नहीं है, मुझे ऐसा लगता है बिल्कुल हमारे घर के ही लोग हैं। सो आप सबकी जोरदार तालियों के बीच में इन्वाइट करना चाहूंगा माई ब्रदर्स मिस्टर सोहेल खान एंड अरबाज खान। अरबाज भाई, सोहेल भाई, आपका हमारे शो में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू, बहुत हमने खर्चा किया है। अच्छा लगा आपको हमारा घर? बहुत बढ़िया है यार, ये तो मल्टी सिटी टूर कह सकते हैं आप इसको। सोहेल भाई की फिल्म आ रही है जो उन्होंने खुद लिखी भी है, प्रोड्यूस भी की है, डायरेक्ट भी की है, फ्रीकी अली। एक्टिंग राइटिंग डायरेक्शन का हुनर परमानेंट दिया है, खुदा ने खान खानदान को सारा टैलेंट दिया है। इन्होंने अपनी शरारत का नमूना कुछ ऐसा दिया है, घर के घर में फिल्म बना डाली और पैसा चवन्नी खर्च नहीं किया। ये बिल्कुल सही कहा आपने। सही कहा कि नहीं कहा? बिल्कुल बिल्कुल, मुझे तो नहीं मिले अभी तक पैसे। पाजी फ्रीकी अली इन्होंने लिखी भी है, प्रोड्यूस भी की, डायरेक्ट भी की है, और अरबाज भाई बड़ा ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर इसमें निभा रहे हैं। तो भाई ये पहले से आपने सोचा था अरबाज भाई को देना रोल, या किस किस को प्यार करूं मैं इनकी बेहतरीन परफॉर्मेंस देख के डिसाइड किया आपने? देखो बाकी के सब जो एक्टर्स थे जी वो पैसे मांग रहे थे। अच्छा, तो जो एक्टर फ्री में आ जाए, एक तो फ्री में ले लो, घर की मुर्गी दाल बराबर। अच्छा, बट हिट होने के बाद पैसे लूंगा मैं। हाँ। ये तो आपका बनता है। आपका वैसे काम मेरे को बड़ा अच्छा लगता है भाई, 2 साल में सुपर हिट फिल्म प्रोड्यूस करते हैं। हाँ। फिर 1-1.5 साल तक उसके पैसे गिनते रहते हैं। फिर 2-3 फिल्मों में एक्टिंग करते हैं, उसके बाद फिर नई फिल्म तैयार। तो भाई दबंग 3 कब आ रही है आपकी? 2018। देखा मैंने कहा था। अच्छा सोहेल भाई ने औजार बनाई, हेलो ब्रदर बनाई, नहीं नहीं बड़ी अच्छी फिल्म थी। हर बार अपनी फिल्म में अरबाज भाई को कास्ट करते हैं। नहीं औजार में नहीं था मैं, मैंने पहले इनको शुरुआत सलमान के साथ कराई। हाँ लेकिन उससे इक्विवेलेंट थे, संजय कपूर थे। डार्लिंग डार्लिंग संजय, लव यू टू। ऐसी बातें करते कि बाद में कवर करना पड़ता है। मैं ऐसे भाई, आपने कभी इनको अपनी किसी फिल्म में नहीं लिया, आपकी नजर में क्यों अच्छा एक्टर नहीं है सोहेल भाई? नहीं ये मेरी नजर में अच्छा एक्टर नहीं है। सही है, लेकिन सही है। ये अच्छे इंसान है, अच्छे डायरेक्टर है, अच्छे प्रोड्यूसर है, अच्छे एक्टर नहीं है। बट चक्कर ये है कि इनकी नजर में मैं भी अच्छा एक्टर नहीं हूँ, ये भी फैक्ट है। नहीं नहीं यार, क्या कमाल का एक्टर है। कवर करूं?
अच्छा एक बात बताओ सोहेल भाई, ये जो फ्रीकी अली है बेसिकली ये गोल्फ खेलते हुए एक शख्स की कहानी है, एक आम आदमी जो गोल्फ में बड़ा अच्छा है और किसी को पता नहीं लेकिन बाद में पता चलता है। तो ये आइडिया आपको गोल्फ खेलते हुए आया था? मुझे एक स्पोर्ट्स फिल्म बनानी थी, सो वी थॉट अबाउट एन इंस्पिरेशनल स्टोरी कि अगर एक बंदा जो है जो अनअज्यूमिंग है वो जाके एक अमीरों का स्पोर्ट जो बोलते ना क्या एक मिसकंसेप्शन है क्या सिर्फ अमीर और रिटायर्ड लोग गोल्फ खेलते हैं, सो ही स्टार्ट्स प्लेइंग द गेम और कैसे वो आगे बढ़ता है। अच्छा सिद्धू भाई जी, अमीरों का खेल क्यों बोला जाता है, मतलब पैसे वालों का खेल क्यों है गोल्फ? कई गोल्फ कोर्सेज पे 4,000-5,000 रुपए दिन का किराया लगता है खेलने का और वो जो उसका इक्विपमेंट भी है वो बहुत महंगा है, तो फिर आम आदमी कहाँ वहाँ जाके मतलब एक दिन का 4,000-5,000 खर्च के खेलेगा। लेकिन अगर ये लत लग जाए ना तो इंसान अपनी बीवी भूल जाता है, ये पक्की बात है। एक्चुअली ये पैसे वालों को खेल इसलिए भी है ना, आप देखो एक तो इतना बड़ा किट चाहिए आपको, एक बंदा चाहिए उसको उठाने के लिए, फिर आपने बॉल मारी, फिर एक ढूंढने के लिए चाहिए, एक कार रखी होती है वो बैटरी वाली उसमें बैठ के जाते हैं, देयर वाज द बॉल, पता नहीं सारा सारा दिन ढूंढते रहते हैं। तो ये एक्चुअली थोड़ा महंगा गेम है, तो वही बड़ा महंगी आती है इसकी जो हॉकी होती है, लोहे वाली हॉकी, अंग्रेजों की गेम थी ना भाई ये, वैसे भी हाँ जी हाँ, वही कर सकते हैं ऐसे काम इसलिए हम अभी उन्हें बर्बाद कर रहे हैं। हमारे तो गेम बड़े थकाने वाले होते हैं, इंडियन गेम खो खो देख लो आप, धक्का मार के भागना है फिर उसने पकड़ना है, 15 मिनट में थकावट। अच्छा भाई सीरियसली एक क्वेश्चन है सिद्धू भाई ने कहा था पूछने के लिए, कहते यार खान ब्रदर्स जब आएंगे इनसे पूछना कि आप जब एक दूसरे की फिल्म करते हैं तो पैसे नेगोशिएट करते हैं क्या, फैमिली के लिए फिक्स रेट रखे हुए हैं आपने आपस में बनाएंगे तो हम इतना, तो मैं इतना ही लूंगा, इससे कम नहीं लूंगा, ज्यादा नहीं लूंगा, ऐसा कुछ होता है? नहीं, जिसको जरूरत ज्यादा होती है उसको दे देते हैं। आइए भाई प्लीज यहाँ पे विराजमान होइए, जोरदार तालियां हो जाएगा। अच्छा हमने भाई सुना है सलमान भाई भी इस फिल्म में काम करना चाहते थे। हमने भाई को कहानी सुनाई। अच्छा तो भाई को कहानी पसंद आई और भाई ने कहा कि मुझे भी एक रोल करना है। अच्छा लेकिन भाई आपने कहानी सुनी है, फिल्म में ऐसे कोई रोल नहीं है जो आप कर पाओ, बिकॉज आप इतने बड़े स्टार हो, अगर आपको छोटे रोल में भी ले लिया तो आपको जस्टिफाई करना पड़ता है। राइट ठीक है। नहीं वो जो निकेतन धीर के पीछे जो लेफ्ट पे खड़ा हुआ है ना, मैं वो करूंगा। ऐसे बट भाई आप वो क्यों करोगे? इसी ने मैं डिस्गाइज में आ जाऊंगा, मैं एक मस्सा पहन के आ जाऊंगा, ऐसे एक मस्सा के साथ कोई नहीं पहचानेगा, और अगर कोई पहचानेगा नहीं तो फिर मैं आपको लूं क्यों? तो मैंने उनको कन्विंस कर दिया कि वो नहीं करे, लेकिन हमको थोड़ी सी लालच तो आ गई थी कि अगर वो रोल नहीं करे तो हमें उनका नाम दे दे। जी सो ही इज प्रेजेंटिंग द फिल्म नाउ। ओके और इंशाल्लाह दैट वो इतने बड़े है कि अब अगर उनके 2% भी फैंस अगर देखने चले जाए बिकॉज ऑफ हिज नेम हमारी निकल पड़ेगी। ट्रेलर चलाओगे आप? ट्रेलर चला देते हैं सर, पहली बार चला देंगे सर, नो प्रॉब्लम। ऐसा प्रॉमिस आपने किया था पीछे। अरे नहीं सर मैं चला दूंगा, अपने चैनल आवा के काट देगा मुझे। अच्छा आपको पता है सिद्धू भाई जी, हाँ अरबाज भाई ने अपना प्रोडक्शन हाउस खोला है, सोहेल भाई ने अपना, सलमान भाई ने अपना। अच्छा एक ही घर में तीन तीन क्यों खोले? सिस्टर ने भी खोला है, सिस्टर का भी है, उन्होंने अलग से खोला है। हाँ, अलग से खोला है। तो आप सीधे क्यों नहीं खोल देते एक ही प्रोडक्शन, सलीम खान एंड सन्स? अलग अलग रीजन है। अभी जैसे कि इन्होंने फिल्म बनाई फ्रीकी अली, हो सकता है कि शायद ये स्क्रिप्ट मेरे पास आती तो मैं इतना कॉन्सेप्ट वाइज इतना एक्साइटेड नहीं होता। जी तो भाइयों के कुछ सिमिलैरिटीज हैं, कुछ टेस्ट हैं, तो वी डोंट लाइक टू प्रेशराइज ईच अदर कि यार अगर तुझे बनानी है तू कन्विंस्ड है सब्जेक्ट के ऊपर तो तू बना ले। तो फिल्म बहुत अच्छी बनाई है इसने, एंड नॉट बिकॉज ही इज माई ब्रदर, एक्चुअली ही इज, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग इट। बहुत साल पहले हम लोग एक शो करते थे सोनी टीवी पे, कॉमेडी सर्कस, सोहेल भाई उसको जज करते थे। सोहेल भाई ने उस समय मुझे कहा था मैं आपको तुम्हें फिल्म में लूंगा, भाई आप ले लेते ना मैं सच्ची में फ्री में भी कर देता, बट नाउ ना आई हैव बिकम वेरी एक्सपेंसिव। ओह माय गॉड, एंड वी ऑल आर वेरी प्राउड ऑफ दैट। थैंक यू, वेरी प्राउड ऑफ दैट, वेरी प्राउड ऑफ दैट। सत श्री अकाल जी। भाई बैठिए, इतनी रिस्पेक्ट देने की जरूरत नहीं है। नहीं यार मेरे दोस्त है यार। नमस्कार सोहेल भाई। सोहेल भाई जी, और क्या चल रहा है आजकल? नंबर 8 सारी दुनिया को पता है, द कपिल शर्मा शो चल रहा है, इसको पता ही नहीं। बैठो बैठो,
ठीक है भाई, तेरा शो चल रहा है, इनकी फिल्म चल रही है, उनकी पॉलिटिक्स चल रही है, मेरा ही कुछ नहीं चल रहा। तो सुहेल भाई, सिर्फ मैं ना बेसिकली शिकायत लगाने आया हूँ इसकी, आपको स्पेशली ढूंढ गया आज। आपको भी पता है कि मेरे को भी पता है ना कि इससे पहले मैं आया था सोनी चैनल पे कॉमेडी सर्कस में। ये तो सच्चा भाई, मैं उतने सीजन जीता नहीं जितने ये हारा है। तो आप मतलब अरे ये फैक्ट है, बेचारा स्ट्रगल करके सेमीफाइनल में आ जाता था और ये आके आउट। मुझे सुहेल भाई आज भी वो दिन याद आते हैं जब मैं आपके साथ बैठ के डिनर किया करता था। अच्छा ये भाई, इसको ना बहुत सारी गलत फहमियाँ हैं। एक तो क्या है कि सारे भाइयों की आदत है, जब भी कहीं शूट पे जाते हैं ना तो कितनी सारी बिरयानी बना के ले जाते हैं, तो गरीबों बांट रहे थे, लाइन में लग गए, उसको डिनर बोलते हैं। वो डिनर थोड़ी होता है। वो तो एक, मैं पता क्या, एक तो मुझे अपने शो में लेता नहीं है, ऊपर से इंसल्ट। अरे बैठ जा मेरे दोस्त, आ जा, अरे इधर बैठ के देख कैसा फील होता है। सुहेल भाई, चाहे सर नंबर आप आर देते लेकिन हंसते सबसे ज्यादा मेरे एक्ट पे थे ना आप। नहीं नहीं, एक्ट पे नहीं, आप पे। मुझे याद है जब आप तो मान ले मेरे पे हंसते थे वो। जब राजीव का एक्ट बहुत ज्यादा गंदा होता था ना तो मुझे ऐसे ऐसे इशारे करते, मैं बता नहीं सकता अभी। इसका एक्ट चल रहा होता तो ये हंस रहे थे। अब आदमी 3 बजे रात को, इसको नींद आई हुई है, ऊपर से एक आदमी बहुत एफर्ट कर रहा है, फिर आदमी हंसेगा ही। चलो यार, अच्छा चल ठीक है, मेरे एक्ट में हंसते थे, तेरे पे तो सो जाते थे। अब बताओ सर क्यों सोते थे आप? नींद आई होती थी ना। नहीं नहीं, कॉन्फिडेंस था ना कि अच्छा कर लेगा। नहीं नहीं, मैं करके दिखाई देता भाई। मेरे दोस्त के लिए जोरदार तालियां पहले दो। थैंक यू। एक बार एक हाथी होता है और एक बार एक चींटी होती है। अब हाथी जा रहा है, चींटी आ रही है, तो हाथी उससे लिफ्ट लेता है, आगे जाके एक्सीडेंट हो जाता है, हाथी की टांग टूट जाती, चींटी को कुछ नहीं होता, बताओ क्यों? भाई 50 साल पुराना जोक सुना रहा है। देख भाई, जो आदमी 3 साल से घर बैठा हो ना उसको ऐसे जोक आते हैं, तू घर में बैठ के देख, तेरे को ऐसे भी नहीं आने। सुहेल भाई कितने नंबर? 8। सुहेल भाई आपकी वजह से ना मेरे बच्चे भी आप पे चले गए, मैं सच्ची बता रहा हूँ उनको। हाँ, उनको तेरे उनको बच्चे उन पे कैसे चले गए? हाँ हाँ, इनकी बातें सुन सुन के जब वो कहते ना जब बंदा पैदा होने वाले हो तो जो चीज देखे वही, तो वो पैदा होते बेचारे कॉमेडी सर्कस देखते थे। मैं आज जाके उनको कोई पोइम भी सुनाता ना तो वो भी आगे से 8 नंबर दे देते। नहीं नहीं भाजी, एक्चुअली राजीव के जुड़वा बेटे हैं। अच्छा, 2। वो 8 नहीं देते, वो 0-0 देते हैं, ये जोड़ देता है। पर जोक सपाट, राजीव इज ए वेरी टैलेंटेड आर्टिस्ट और मेरा दोस्त भी है। थैंक यू राजीव। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। ऑल द बेस्ट ब्रदर। थैंक यू वेरी मच। ऑल द बेस्ट। ऑल द बेस्ट राजीव के लिए, जोरदार ताली। थैंक यू वेरी मच। अब वक्त है फिल्म फ्रीकी अली के रोमांटिक कपल को यहां पे इनवाइट करने का। आप सबकी जोरदार तालियों के बीच प्लीज वेलकम मिस्टर नवाजुद्दीन सिद्दीकी एंड एमी जैक्सन। तालियां जोरदार होनी चाहिए जरा। नवाज भाई कमाल कर दिया आपने, तो आज गंद मचा दिया। नवाज भाई आपका बहुत बहुत स्वागत है। एमी वेलकम, हाउ आर यू? आई एम वेरी गुड, हाउ आर यू? एकदम एकदम बढ़िया। अच्छा ये एंट्री नॉर्मल भी करानी थी हमें ना, थोड़ा एंजॉय कराना था नवाज भाई आपको। पर क्या सुपर्ब लग रहे थे आप। नवाज भाई मजा आ रहा है रोमांस करके? बहुत अच्छा लग रहा है, सॉफ्ट सॉफ्ट सा लगता है। और अगर मुझे पहले पता होता है कि इतना सॉफ्ट लगता है रोमांस करने में, मैं सच बता रहा हूँ ये सारी गैंगस्टर फिल्में की है ना, मैंने कभी ना करता। तो कहते हैं कामयाबी और तारीफों के रंग में झूम रहा है ये परिंदा, आज हुनर के परों से ऊंचाइयां चूम रहा है। कितनी जल्दी बदलता है यह जमाना देखिए, पर्वत तोड़ने वाला आज हीरोइन को लेके घूम रहा है। ये पत्ते साफ करा दो प्लीज फटाफट। एमी टेल मी वन थिंग, जब सुहेल भाई ने आपको फोन किया पहली बार में तो थॉट आया ही होगा कि शायद मेरा हीरो सलमान खान होगा?
When I got the film off, Sohail, he narrated everything to me. I wanted to work with him automatically. And that was purely for Sohail. He's a sweetheart. He's the coolest director. He really is. Very he laughed nice. Even more on set than on the show. How sweet. Kya kaha bhai? Jis show ke liye hum aaye hain, uska jo host jo hai, wo bahut hi dashing handsome hai. Thanks a lot. मेरे से चाहे 10 एपिसोड करा लो आज। नवाज भाई, जब भी हमारे यहाँ पे कोई स्टार्स आते हैं तो हम लोग उनको एक सवाल पूछते हैं ऐसे मजाक मजाक में कि आपने कभी सोचा था हमारे शो में आने का मौका मिलेगा? मैं नहीं आपसे ये पूछ रहा हूँ, आप ऊपर वाले को मानते हो आप? बिल्कुल ना। बिल्कुल, तो आप उनकी कसम खा के बोलिए कि आपने कभी सोचा था आपको एमी जैसी लड़की के साथ रोमांस करने का मौका मिलेगा? सोहेल भाई ने थैंक गॉड, मतलब हीरोइन तो दिलवाई साथ साथ वो फॉरेनर और गाना भी गवाया। अच्छा। और डांस वांस भी किया मैंने, मतलब ये सारी उम्मीदें मुझे थी नहीं एक्चुअली, मुझे मेरी उम्मीद से ज्यादा ही मिल गया एक्चुअली। तो अभी कहते हैं ना वो, अभी शेर को खून मुंह लग जाता है ना जी, तो मुझे वो लग गया, मैं इसके बाद में सारी रोमांटिक फिल्में ही करूंगा। I mean, was it comfortable? Did you not when see started us romancing dance? With you, huh? Did you not see us dance? I was standing there, so I couldn't watch properly. So was it comfortable on set? Very. When a language met... is no barrier. We had love in our eyes at day one. We talk with eyes. Language is no barrier with us. अच्छा, जितनी अच्छी इंग्लिश जो है नवाज भाई की है, उतनी अच्छी हिंदी एमी की है। जब आपको पता चला आपको एमी के साथ रोमांस करना है, तो आपने सीन की तैयारी की अंग्रेजी की ज्यादा? रोमांटिक सीन के लिए लफ्जों की जरूरत ही नहीं, तो आंखों आंखों में सिर्फ होंठों की जरूरत, होंठों की जरूरत। सो एमी, कैन यू प्लीज, एमी एमी कैन यू प्लीज प्लीज okay, can you please explain us what is the exact meaning of freaky? A freak to me is uniqueness and being special, and the number one freak we have here is Mr. Nawaz. Main kehta hu bete mere ko bahut pasand aaya, mujhe bhi bahut acha laga. Paaji, Emmy ki ye teesri film hai, hindi film, unhone south mein bhi kaafi films ki hain. Acha, glamour glamour hi hota hai. अक्षय पाजी को 25 साल हो गए इंडस्ट्री में, आज तक रजनी सर के साथ काम करने का मौका नहीं मिला. एमी रजनी सर के साथ रोबोट 2 कर रही है, उसके लिए तालियां. एमी, हाउ आर यू? वंस अगेन आई हैव टू स्पीक इन इंग्लिश, सो हाउ वाज योर एक्सपीरियंस वर्किंग विद मिस्टर रजनीकांत? थैंक यू, यू आर वेलकम. ही इज द कंट्री सुपरस्टार एंड आई मस्ट एडमिट आई वाज एंग्शियस, आई वाज नर्वस, आई वाज स्पीकिंग तमिल इन द फिल्म विद हिम. But he's just an absolute gentleman out and out. So it's been brilliant. Wow, I love you. I think he might be my lucky charm though. Radhika, she did also a film with Nawaz. Exactly. मेरे साथ ये हो रहा है कि जो जिस जो मेरी हीरोइन होती है जी, वो नेक्स्ट जो है वो रजनीकांत के साथ काम करती है. We had a game of golf today. Papa, देखो तो हमारे यहाँ गेस्ट आए हैं. What a busy and freaky day. Hi, I'm Dr. Mishur Gulati, JCC, JCC. JCC, JCC मतलब? Just chill, chill. आपका मुंह चील जैसा, आप क्यों कर रहे हैं सब? कपू, इतने सारे गेस्ट बैठे हो और तुम अपने होने वाले ससुर से ऐसे बात कर रहे हो? किसने कह दिया मेरा होने वाला ससुर है? मेरी बात सुन ले, मैंने तेरे से बिल्कुल नहीं शादी करनी. अरबाज भाई, ये इतने खराब लोग हैं, मैं आपको क्या बताऊं? ये डॉक्टर है ना, मिड डे मील के चक्कर में अपनी बेटी को बड़े नहीं होने दे रहा, रोज जाती है लेके आती है. सो चीप पीपल. मैंने कितने बार कहा कि जो महंगा टूथपेस्ट होता है कप्पू, दोनों के मुंह नहीं लगना. बट तो मेरी बात सुनते नहीं है यार. लाइन मारनी है ना तो इन पे किसी पे मार ले. ये अरबाज साथ बैठे हुए, इनके ऊपर लाइन मारना. इनकी शादी हो चुकी है. अच्छा अच्छा, तो नवाज उनके ऊपर लाइन मार ले. उनकी भी शादी हो चुकी है. अच्छा अच्छा, तो सोहेल जी के ऊपर लाइन मार ले. उनकी भी हो चुकी है. तो एमए के ऊपर लाइन मार ले फिर.
ज्यादा फालतू की बात कर रहे हैं। सरला चल जाके अंदर बीड़ियां बनाओ, कॉन्ट्रैक्टर आएगा मारेगा तुझे। बीड़ियां सर, मैं क्यों बीड़ी बनाऊं? क्योंकि बेटे तुम्हें कॉन्ट्रैक्ट मिला हुआ है। I mean, you know what? I went for a game of golf and we were playing. मेरे इतने खराब पत्ते आए, मैं सारी गोल्फ हार गया। बादशाह इतना तो मेरा पढ़ा ही नहीं ना। सारी गोल्फ मेरा कचरा हो गया। पापा? हाँ जी। गोल्फ में पत्ते नहीं होते, आप जुए में हारे थे। मेरे को पता है बेटा, गोल्फ में पत्ते, लेकिन हमने शर्त रखी हुई थी कि जो जुए में जीतेगा ना वही गोल्फ का विनर होगा। अब थोड़ी देर चुप रही है। थैंक यू सोहेल साहब, मैंने आपकी फिल्म का ट्रेलर देखा, बहुत ज्यादा मजेदार लगा मुझे एंड आई एम सो हैप्पी क्योंकि पहली बार पाजी किसी ने मेरी फेवरेट गेम पे फिल्म बनाई है। तेरी फेवरेट कहां से होगी? गोल्फ को तेरा तो वो फेवरेट है ना, वो बंदर के साथ शर्त लगा के दूसरे के जुए निकालना। कुछ भी बोलती है भाई ये। गोल्फ मेरा फेवरेट इसलिए क्योंकि किसी जमाने में मेरे पापा गोल्फ मास्टर हुआ करते थे। और मैं? नहीं पापा। हाँ पापा आप? बेटे इतना बड़ा झूठ बोलने से पहले मुझे बता तो दिया कर ना। नहीं मैं थोड़ा सा तैयारी कर लूं। उस दिन जब हम फ्रीकी अली का ट्रेलर देख रहे थे, आप ही ने बोला कि मैं अपने जमाने में गोल्फ मास्टर हुआ करता था और ये फिल्म मेरे ऊपर बनी है। वो तो मैं झूठ बोल रहा था ना। देखा बात भाई, ये ऐसे ही लोग हैं एक्चुअली, मैं इसलिए मुंह लगा था, एक दूसरे में लग रहे थे बड़ी यही गोल्फ मेरा फेवरेट है। कपू तुम शर्त लगा लो, आज यहाँ सबके सामने अगर मैंने सबको गोल्फ में हरा दिया तो तुम मुझसे शादी करोगे। चलो ठीक है, डन। चलो पापा। Yeah, I will make the field here to golf. And the first, आइए सबसे पहले देखते हैं कौन गोल्फ खेलेगा। पुग लेते हैं, पुग लेते हैं। आइए सर, आइए सर, आप आइए, पुग लेते हैं। When you look at नवाज साहब, आप आइए यहाँ पे नवाज जी। डालू? डालो डालो डालो। सिद्धू साहब बताएंगे मैं कैसे। बकरी की तरफ जा रही है, बकरी की तरफ जा रही है। आइए सर, सुहेल साहब, जोरदार तालियां फॉर द नेक्स्ट प्लेयर। मतलब इतना सा फर्क रह गया। अरबाज सर आइए, आप आइए प्लीज। ये ट्राई करते हैं। चलो सर। तो शादी आपकी बेटी की होनी है, एमी क्यों कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर रही है? शकुन के तौर पे साली भी तो चाहिए होगी ना। कपिल मैं तो जानबूझ के नहीं ना डालनी। वो हिल रहा है, स्टार्ट लेना। ये बॉलिंग करा रहे हो? नो, आसपास था, शुक्र नहीं हुआ। चलना बेटे। वेरी नाइस, वेरी नाइस बेटे, वेरी नाइस। ये चीटिंग हुई, दिस इज नॉट फेयर। शादी होगी कैंसल, वेरी नाइस। मैं तो चाहता भी नहीं था कि आप मेरे दामाद बने, और इस खुशी में एवरीबॉडी प्लीज लेट सेलिब्रेट बिकॉज द वेडिंग इज नॉट हैपनिंग। बैठिए भाई। बट डॉक्टर साहब इधर आइए, आप चलिए उधर, दबाओ जाइए यहाँ से। बट कीप कमिंग फॉर द रेगुलर चेक। कार
नवाज भाई, आप फिल्म में एक अंडरवेयर बेच रहे हैं, आपने इतना कमाल का सीन किया ना, वो मतलब कमाल का कर रहे हैं आप, इतना नेचुरल किया लगता ही नहीं है मतलब कि एक्टर है कोई। हाँ ऐसे लगता है चड्डी बेचने वाला ही। हाँ एक्चुअली खुद ही बोल देता हूँ। बड़ा कमाल का किया भाई। हमारे पुश्ते नहीं धंधा है ना ये। भाई वो थोड़ा सा झलक हो जाए थोड़ी जी। चड्डी 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 एक्स बढ़कर एक चड्डी, रंग बिरंगी डिजाइनदार खुशबूदार इज्जतदार चड्डी, हर कलर डिजाइनर साइजर फ्लेवर की चड्डी, पार्टी वेयर चड्डी, कॉमन मैन से लेकर सुपरमैन तक सभी के लिए मिलेगी। हर शेप में नीली पीली सतरंग और चटका भी चड्डी, रात के राजाओं के लिए डिस्को वाली चड्डी, रेडियम वाली चड्डी, नाने वाली बिना नाने वाली, इलास्टिक वाली, प्लास्टिक वाली, छोटे बच्चों के लिए स्पेशल छोटा भीम डोरी वाला, बड़ों के लिए टाइगर प्रिंट चड्डी, फुल गारंटी वाली चड्डी, चाहे जितना खेलोगे बड्डी टूट जाएगी हड्डी नहीं फटेगी चड्डी, चड्डी 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 एक्स बढ़कर एक चड्डी। आपने कम से कम 1500 चड्डियां तो बेच दी होंगी इस डायलॉग में। पर भाई भाई 40 रुपए की चड्डी कहाँ आती है आजकल? मेरे ख्याल से 200-250 के कम तो आती नहीं। अभी अभी हमारे यहाँ आप अपने यहाँ जाएंगे अमृतसर, वहाँ जलंधर सब जगह वहाँ पे हमारे यहाँ पे 40-40, 20-20 रुपए की मिलती है, बट उनका कलर बहुत जल्दी उतर जाता है। ओह नहीं, मैं मुझे इसलिए ज्यादा हंसी आई, मैंने एक बार ऐसी ली थी तो वो आप ना मतलब आप उसको उतार भी दो ना तो आपके बनी रहती है, वो पूरा कलर छप जाता है। तो फिर उसके बाद वो अब आपको मिलवाते हैं फिल्म फ्रीकी अली के एक बड़े ही मजेदार कैरेक्टर से, बड़े ही हैंडसम है। प्लीज वेलकम मिस्टर जस अरोड़ा। आइए भाई बैठे 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 भाई। और भी हैं फिल्म में कास्ट, क्योंकि हमारे पास सोफा इतना ही है। जसपा जी बहुत ही मज़ेदार इंसान है और बड़े ही प्यारे। मैं पाजी आपको एक्चुअली मैंने तकरीबन कितने साल हो गए आपका पहला गाना जब आया था, पहला नहीं था एक्चुअली वीडियो, 20 साल। क्या बात है यार, 20 साल बाद मैं आपको आज देख रहा हूँ, पर आप कमाल के फिट हैं यार, कमाल है। आपने वीडियो देखा था पाजी, गुड़ नाल इश्क मिठा, बिल्कुल वो जस्ट अभी तब क्लीन शेव थे, अभी इन्होंने दाढ़ी रख ली है, रख ली नहीं मेरे ख्याल से, अपने आप ही आ गई है। अच्छा मेरे को एक बात बताइए पाजी, आप एक पहली लीला में भी थे, उसमें सनी लियोनी थी जी, अभी एमी जैक्सन है जी, तो आप उन्हीं फिल्मों में काम करते हैं जिनमें इम्पोर्टेड प्रोडक्ट्स होते हैं। अभी अभी नवाज भाई ने कहा था बड़ा सॉफ्ट सॉफ्ट फील होता है, सर हमें भी सॉफ्ट सॉफ्ट फील होता है। आपको शर्म नहीं आ रही? एक बात तो है यार, आज पहली बार इतने नजदीक से देखा है यार, आप कैसे शेव करते हो ऐसा यार? कैसे सिद्धू साहब, आपने नहीं देखा? हाँ देखा देखा, सबके सब मुझे कैसे ताड़ रहे थे, इन चारों ताड़ुओं के लिए एक शेर झाड़ू, कड़गाओ 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 कड़गाओ, मुलायजा फरमाइए, आंखें जैसी झील, आंखें जैसी झील, कमर मनाली, गाल जैसे कश्मीर, मेरा हुस्न हिमालय के पर्वत जैसा मशहूर हो गया, मेरा हुस्न हिमालय की वादियों जैसा मशहूर हो गया, ताड़ते ताड़ते मुझे इन तीनों का फ्री में ऑल इंडिया टूर हो गया। अच्छा सोहेल भाई, ये हमारी लुच्ची बेगम है। लुच्ची बेगम, हाँ, इनकी एक खासियत ये है कि इनको बेइज्जती बिल्कुल महसूस नहीं होती, गंद है ना, ये ठंड नहीं। देखिए माफ कीजिएगा, बेइज्जती और गैस अगर अपनी ही हो ना तो आदमी को बर्दाश्त हो जाता है। बेगम आप अकेली होके चारों के साथ फ्लर्ट कर रही हैं, आपको शर्म नहीं आती है? इसमें शर्म क्या है, मेरा दिल जो है ना वो डुअल सिम है। डुअल सिम है, एक आपके लिए और एक अरबास के लिए। और नवाज भाई, ये तो पतली पिन वाला चार्जर है। लेकिन सच कहूं तो इनके बिना ये टच स्क्रीन मोबाइल किस काम का, पर सच कहूं तो मेरा मन करता है कि मेरा बैटरी जो है ना वो जस जैसी हो, भरी और पूरी। वैसे नवजू बहन, आई नो हिम वेरी वेल। सो नवजू, इस फिल्म में जो आपका प्रोफेशन है मुझे बेहद पसंद है। अच्छा वसूली वाला, चड्डी बेचने वाला। क्यों
इसमें हंसने की क्या बात है? हंस क्यों रहे आप लोग? दुनिया है, हंसने दो। हाँ? उनका काम ही चट्टी जो है वो हाँ। मर्दों की इज्जत होती है। बिल्कुल। और माशाल्लाह से मेरे नवाब साहब की इज्जत बहुत बड़ी है। इनके नवाब साहब के पास एक ही इज्जत है, एक एक दिन छोड़ के घर से निकलते हैं, एक दिन धोते हैं, एक दिन सुखाते हैं। बदतमीजी कर रही हैं आप। हाँ, और आप ऊपर खड़े खड़े यही ताड़ते रहते हैं कि आज वो इज्जत पहनकर निकले हैं या धोकर। अरबू, सच सच बताइएगा, सलीम साहब कैसे हैं? उन्हें मेरी याद आती है कि नहीं? बेगम, थोड़ी तो शर्म करो आप। आप अभी इन चारों पे लाइन मार दी, सीधा सलीम साहब तक पहुंच गई आप। शायद आपको ये नहीं पता कि ऐसा हुस्न किसी किसी को ही नसीब होता है जिस पर दो जेनरेशन वाले फिदा हो जाए। माफ करना सोहेल अरबाज, जो बात अल्लाह सलीम साहब में है वो आप दोनों में नहीं है। वो तो हमारी किस्मत ही खराब थी कि सलीम साहब के साथ ज्यादा बात नहीं हो पाई, वरना आज यहाँ आप दोनों मेरे करण अर्जुन होते। लगता है आप लोगों को मुझ पर यकीन नहीं हो रहा ना? सबूत है मेरे पास। अरबू दिखाओ, दिखाओ। सी ये शोले के वक्त की बात है, मेरी कास्टिंग हुई थी, रिहर्सल मेरे साथ हुआ था। हाँ, और सच मानिए रिहर्सल में भी रिटेक्स बहुत हुए थे। नवजू जरा सा हटना प्लीज, क्या मूछ है इसकी देखो, आजकल तो ऐसे मूछ वाले मर्द बनना ही बंद हो गए। दिल करता है मूछों में गुम हो जाऊं। जस जी, जस्ट लिसन टू मी। यस, तेरा वो गाना आया था ना, गुड़ नालो इश्क मिठा। सच कह रही हूँ, आज भी इस गुड़ में वही मिठास है। यकीन नहीं हो रहा तो आजमा ले। सर, हमारे शो की परंपरा है, हम लोग जो स्टार्स यहाँ पे आते हैं उनको हम वन ऑन वन लोगों के साथ बातचीत करवाते हैं। आप सबके फैंस यहाँ पे मौजूद हैं, आपके साथ बातें करना चाहते हैं। आप लोग जो भी पूछना चाहते हैं एक एक करके आप अपना हाथ खड़ा कर सकते हैं। जी, सबसे पहले जी आओ मेरे भाई। हाय एवरीवन, मेरा नाम आलोक जैन है। आलोक कहाँ से आए? आलोक मैं खंडवा एमपी से आया हूँ। मैं एमी जी से कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ। सब आपको फॉरेनर फॉरेनर कहते हैं, मेरे सपनों में हमेशा आप आते हो। आप हमेशा घाघरा चोली में, सर पे पल्लू लिए, गाय को सलहाते हुए आप गाय का दूध निकाल रहे हो। ऐसे सपने आते हैं आपको? जी। तो वो दूध जाता कहाँ, पीते नहीं? मैं चाहता हूँ मैम, क्या बकरी का दूध सलहाए और निकाले? You want me to do that? Yes, ma'am. Will you show me how? आप बताइए ना कैसे निकालते हैं दूध, आइए। Tell me. Emmy, you know how to behave like a village girl? जी। Show me how. देखो matching दुपट्टा, lots of budget भी है। You want me to? Yeah, it's better. Okay, I will get bakri for you. Thank you. ऐसा लग रहा तेरी पैंट में बंसरियां पड़ी हुई हैं। You have to milk this goat. Here. दूर फिटे मुंह। सपना भी देखा तो कैसा देखा तूने? एंड यू कैन रिक्वेस्ट दिस गोट टू गिव सम मिल्क इफ शी कैन। आई डोंट थिंक सो। एक्सक्यूज मी, कैन यू प्लीज हेल्प मी हियर? ओके ओके। तुम एक काम करो, आप भी एक काम करो, आप बकरे बन जाओ, इधर आओ। Yeah. Oh. पूरी पी जाओ। अच्छा अभी सुनो मेरी बात, तुम्हारे कहने पे आई वो, रिस्पेक्ट लेडीज, उसको छोड़ के आओ वहां तक, बकरी को खुद ही छोड़ के आओ। ऐसी उलझुल डिमांड करते हो, खुद ही करो अभी। लेकिन सही में साइज से
जी और कोई मेरे दोस्त? जी मैम, मेरा क्वेश्चन नवाजुद्दीन सर से है। जी सर, हमने तो तीन ही लोगों के नाम सुने हैं कांस में, ऐश्वर्या राय, मल्लिका शरावत और आपका। सर आजकल आपके जलवे तो कुछ अलग ही दिख रहे हैं रेड कारपेट पे, तो सर मैं ये पूछना चाहती हूँ आपने ये कहाँ से और कैसे सीखा है इतने अच्छे पोजेज? मैं ऐसा लग रहा है जैसे मैंने बहुत गलती कर दी कोई। असल आप ये अप्रिशिएट कर रही हैं, कंप्लेन कर रही हैं? सर अप्रिशिएट कर रही हूँ। थैंक यू। नमाज भाई करके बताओ ना डिफरेंट डिफरेंट पोज। फोटोग्राफर मंगा, लाइव फोटोग्राफर आई जरा। तो अगर आपको डिफरेंट डिफरेंट पांच पोज देने हैं नमाज भाई, क्या वेरिएशन देंगे आप? ओके ये दे दिया मैंने। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू दास दादा। हम एक खूबसूरत सा गिफ्ट देते हैं जो भी जितने भी यहाँ पे गेस्ट आते हैं। तो आपको क्या लगा कौन आज बड़ा एंटरटेनिंग था और आपको मिलके मजा भी आया? वो जो दूध निकालने की कोशिश कर रहा था गाय से। आइए आइए चल भाई लीजिए, आपको बहुत पसंद आया तो आप अपने हाथों से इनको ये खूबसूरत सा मोबाइल गिफ्ट कर दीजिए। थैंक्स अ लॉट। थैंक यू। और वाह सर कैसे हैं? बस क्लास। हाय हाय, कैसे हैं आप? हेलो नवाज साहब। हेलो सुहेल सर, कैसे हैं आप? हाथ मिलाने को किसने कहा तुम्हें? क्यों मेरा हाथ है, मैं मिलाऊं ना मिलाऊं आपको क्या? तेरे कॉन्फिडेंस कहाँ से आया इतना तेरे अंदर? अच्छा आपको पीछे नानी बुला रही है। क्यों? वो काम होगा, मुझे नहीं बता रही वो। सिटी केबल का प्रोग्राम कौन करेगा यहाँ पे? कमाल है यार कपूर शर्मा, ये आपका छोटा सा काम नहीं कर सकता मैं। मुंह बंद करो, अच्छा सा शूट करना तूने। मैं कर दूंगा, आप फटाफट जाइए। जहाँ ठीक है मैं जाके आता हूँ भाई। हाँ जी हाँ जी, चलो मैं आ रहा हूँ। ठीक है सर, आज हम सिटी केबल का प्रोग्राम करेंगे आपके साथ। और फटाफट सेटअप लगाओ भाई। सिटी केबल के इस खास कार्यक्रम में आप सबका चंदन बहुत स्वागत करता है। सो आज का मुद्दा है कुछ चीजें करनी पड़ती हैं, कुछ चीजें नहीं करनी पड़ती हैं। सो इस मुद्दे पर आज हमारे साथ जुड़े हैं मुंबई से गैलेक्सी अपार्टमेंट ए विंग से सोहेल खान, जोरदार तालियां के लिए। बी विंग से अरबाज खान, सिद्दीकी से नवाज और लंदन से हमारी खास मेहमान एमी जैक्सन, जोरदार तालियां। डिबेट शुरू करते हैं। आए, कहां से शुरू करते हैं? हमारा स्वागत नहीं करोगी क्या? आप इनके सामने बैठी यही बहुत बड़ा स्वागत है। ऐसे नहीं होता है, हमको इंड्यूस कीजिए। अगर आप हमको इंड्यूस नहीं कर सकते, हम अपने आप को इंड्यूस करेंगे। देखिए हम ये छोड़िए, इनसे मिलिए, ये है खोजी से रिंकू भौजी। आओ ये है। तो ये है कि आगे बोलिए। अभी क्या आगे बोले, आगे तो तुम्हारा पेट है। हम अपने आप को इंड्यूस करते हैं, हम है संतोष। अच्छा हमारा सवाल है फैजल से, आपने वो बाप का भाई का दादा का वो सबका बदला ले लिया, तो हमसे कब बदला ले रहे हैं? आपसे किस बात का बदला? ओ हमारे सपने में आए थे, हम पप्पी कर लिए थे इनको, ये तो। तो उसका बदला कब ले रहे हैं हमसे? तो पप्पी का बदला कैसे लूंगा मैं? पप्पी का बदला पप्पी जैसे। रिंकू जी ऐसी बातें नहीं करनी, आपको पता है इस दुर्व्यवहार के कारण आपको यहाँ से बर्खास्त किया जा सकता है। ऐसा ही कहते हैं कपू शर्मा, आपका जो सकल है ना, सकल ही मनहूस है। अरे बर्खास्त करने वाले आप कौन होते? कपू शर्मा को आने दीजिए, शिकायत करेंगे हम आपकी। इस डिबेट के सारे राइट्स मेरे पास हैं और किसी के बाप में इतनी हिम्मत नहीं है कि मुझे कुछ कहे। हेलो मैं आ गया। मैंने बेटे तेरे मुंह पे इतने मैं थप्पड़ मार रहे हैं, तेरी बॉडी में इतने छेद हो जाएंगे, कंफ्यूज हो जाओगे कि मारा किसने, सलमान ने कि राजेश अरोड़ा ने। राजेश जी आप चलती डिबेट में कैसे आ गए? डिबेट का मैं सिद्धू साहब बहुत ज्यादा शौकीन हूँ। अच्छा मैं यकीन नहीं करेंगे आप, मेरी शादी हुई, मैंने सुहागरात पे दुल्हन का घुंघट उठाया, डिबेट शुरू हो गई। क्योंकि सारे कहते अपनी वाली का उठा, हमारी का क्यों उठा रहा है।
मैंने नहीं देखा, मेरे को जो अच्छी लगी मैंने उठा दिया। मेरे भाई आए हुए हैं अरबाज खान, रोहेल खान, नवाज। मैं बहुत ज्यादा फैन हूँ, मैंने आपकी फिल्म देखी, मुझे बहुत पसंद आई, किस किस को प्यार करूँ। और मैंने आपका ये भी ट्रेलर देखा, मेरे को बहुत मजा आया। मैं बेटे डिबेट में बैठ रहा हूँ। बेटे मैं आपको एक बात करी भूल गया। जी जी, आपका मुंह मुझे बिल्कुल नहीं पसंद आया। लग ही रहा लड़का खड़ा है, लग रहा किसी ने तुक्का है। बेटे आपको मैं बता रहा हूँ, आपका तो उससे भी ज्यादा गंदा है। आजकल अच्छे मुंह आने बंद ही हो गए। और बेटे आप तो मैं कहता हूँ गो फॉर सुसाइड। आपका दखलंदाजी मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। चंदू साहब मैं आपको बात बताता हूँ। बताओ। मुझे लौकी की सब्जी बिल्कुल नहीं पसंद। अच्छा। मुझे लगता था उससे बुरी चीज कोई हो नहीं सकती, पर मैं गलत निकला। मैं सच कह रहा हूँ, मुझे तुम्हारा मुंह बिल्कुल नहीं पसंद आया। बिल्कुल भी नहीं, मैं अद्धू। आपका सकल लौकी का सब्जी से भी बुरा है। तू इतना जोर के क्या हंस रही है कद्दू? कद्दू कद्दू यार, क्या आपने लौकी कद्दू लगा लिया? ये क्या सब्जी मंडी खोल ली आपने? अच्छा बेटे एक बात बताओ, जी तुम सच में जेब कद्दू की जगली ऐसी है? बेटे मैं एक बात बताता हूँ, सुनील साहब मैंने आपका एक मैच देखा 1990 में, उसमें आप 0 पे आउट हो गए थे। तू वही मैच देखता जिसमें मैं हारा था यार। मेरे को आपको वो मैच बड़ा पसंद है। मेरे एक्चुअली मेरे पास डीवीडी प्लेयर है, मेरा जब क्रिकेट खेलने का दिल करता है मैं आपकी सीडी लगा देता हूँ। मैं कहा कभी तो आप स्कोर बनाओगे हर बार वो मैच। लेकिन एक बात बताइए, सीडी लगा के कैसे मैच देख सकता है कोई हर बार? बेटे मैं आपको एक बात बताता हूँ, मेरी तरफ से कोई भी एक गंदी गाली जो आपको पसंद हो वो आप सोच लो मैंने आपको दी है। सोचो मैंने आपको दी है। इतना गंदा गाली देता है। आप चुप कीजिए, ये डिबेट चल रही है। बेटे एक बात बताऊं मैं आपको, बुरा मानना, आप अपने मुंह का पेस्ट कंट्रोल करवा लो। ये लड़का मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है बड़ा होकर झूठे कब धोएगा। अब जिसका दोस्त कपिल शर्मा उसने बर्तन नहीं धोने। मेरा पता क्या दिल कर रहा है बेटे, मेरे को आपकी शक्ल तो चलो नहीं पसंद आई। अच्छा मेरा दिल कर रहा है मैं उनको जुलाब की गोली खिला दूं और उसके बाद इनके घर की जो पानी की टंकी है ना उसमें मिर्चे डाल दूं। आप यकीन नहीं करेंगे, लोग कहेंगे भी आग दोनों दोनों बराबर लगी हुई है। मेरे को बेटे मेरे को बिल्कुल नहीं मजा आया, मैं जा रहा हूँ। मैं लाइव जा रहा हूँ, टीवी से बाहर जा रहा हूँ। इधर किधर जा रहे हैं? मैं लंदन जा रहा हूँ। मैं लंदन जा रहा हूँ बुढ़ा साहब। लंदन है, आप लंदन नहीं जा सकते। मैं बेटे मैं देखो मेरी बात सुनो, ये आपने बहुत अच्छा किया, ये जो लड़की को लेडीज टीवी में बिठाया हुआ है, पिंक कलर का टीवी है, मैं लंदन के भारत के साथ रिश्ते मजबूत करना चाहता हूँ। बेटे मेरे को टचिंग पसंद नहीं है। आप यकीन नहीं करेंगे मैं अपनी वाइफ को भी नहीं टच करने देता। मेरे को कहती पास आओ, मैंने कहा शादी की बात हुई थी, पास आने की कोई बात नहीं थी। अरोड़ा साहब आपने बुजुर्ग आदमी है इसलिए मैं आपका लिहाज कर रहा हूँ, उधर बैठिए। बेटे मैं थूक फेंकने लगा मुंह पे। मुझे लग रहा है मैं बुजुर्ग हूँ, मैं अंदर से जवान हुआ पड़ा हूँ, मैं मुझे लंदन जाना है। देखिए कृपया आप डिबेट की गर्मियाँ बनाए रखें, प्लीज प्लीज प्लीज। आप तेरे को गर्मियाँ सिखाया किसने पहले मेरे को बताया? प्लीज यार। हमारा अगला सवाल ये है यार, मेरी बात है एक। हाँ जी। सवाल तू सिर्फ सवाल बोला कर, सवाल अगला ही होता है, कभी पिछला भी हुआ है। कभी पिछला सवाल सुना आपने? लगता है तुम पहली बार कर रहे हो। बेटे मेरे को बिल्कुल नहीं मजा आ रहा, मैं कह रहा हूँ मैं जा रहा हूँ, मेरे को मजा नहीं आ रहा। कोई बात नहीं। अच्छा मैं एमी, एमी की मम्मी बड़ी अच्छी रहमी करी, आई लाइक योर डॉटर, यू हैव ओनली वन पीस। बेटे आपको पता मेरा दिल कर रहा है मैं आपके मुंह में चिट्ठी डाल दूं। लेटर बॉक्स जैसा मुंह है, मेरे को पसंद नहीं आया। अच्छा इनके लिए मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ, कैसे? नहीं तो बिना गर्दन के जीना बड़ा मुश्किल होता है। भाई, भाई
थोड़ा सा मुझे तुम बहुत पसंद आए। मुझे आप बड़े पसंद आए। मेरे को सिर्फ उस दिन बुरा लगा जिस दिन आप जीरो पे उठ गए। अपनी सीढ़ी बदल यार तू कमाल कर। खैर प्लीज कृपया कहता खैर खैर होता है। मेरा अगला सवाल ये है। सलमान खान के डम्बल और इसके फंबल बड़े मशहूर है। और भिखारी का कंबल है। मेरा अगला सवाल ये है कि शादी के बाद सबसे पहला काम क्या करना चाहिए? मेरे को हाथ पकड़ना बड़ा पसंद है। इधर लेते थे इधर लेते तो इसको जेब में रख ले यार तू। इधर लेते इधर उधर क्यों कर रहे हैं साहब? प्लीज यार शट अप। हाँ जी सर मैं सवाल पूछ लूँ? हाँ जी पूछो सवाल पूछो। शादी के बाद सबसे पहला काम क्या करना चाहिए? वही करना चाहिए। शादी के बाद सबसे पहला काम जो करना चाहिए वो है आप कुंडी लगाइए। बहुत अच्छी बात की। कुंडी लगा कुंडी लगाइए। तुम कुंडी लगा के भी दिख जाओगी। शादी के बाद सबसे पहला काम जो करना चाहिए वो है आप कुंडी लगाइए। बहुत अच्छी बात की। कुंडी लगा कुंडी लगाइए। तुम कुंडी लगा के भी दिख जाओगी। आप कितने सहमत हैं? मैं देखिए जब हमारा स्वागत हुआ तो उसके भैया ने कुंडी लगाया था। तो ये तो अच्छा बात हुआ ना। अंदर से लगाया था, हम बाहर थे। खैर मेरा अगला सवाल ये है। बेटे तुम्हारा मुंह ना उस सरकारी मोर जैसा है जो डाकखाने पड़ी होती ना जिसको थूक लगा के मार देते। मुझे तुम्हारा मुंह पसंद नहीं आया। मैं तो कहता हूँ जाओ यार मर जाओ। अरोड़ा साहब प्लीज। बेटे तुम मैं बात बताना चाहता हूँ, तुम जब ऊंचा बोलते हो तो और भी ज्यादा गंदे लगते हो। क्या मेरा सवाल ये है कि जब हम थिएटर में पिक्चर देखने जाते हैं तो हमें हॉट ब्यूटीफुल लड़कियां देखने को मिलती हैं, जैसे कैटरीना है, आलिया है, एमी है, लेकिन हम जब हम घर जाते हैं तो हमें ऐसी औरतें देखने को मिलती हैं। ऐसा क्यों? ये आपके घर पे होगा। बहुत अच्छा मुझे जवाब आया पसंद। हमारे घर पे सीमा है, मलाइका है। जैसी माँ है, जैसी माँ। बहुत बहुत शुक्रिया। और ऐसी औरतें क्या होती हैं? ऐसी कैसी? ऐसी बेटे ऐसी और कैसी। अच्छा इनको ये भी तो घर जाती तो ऐसे मुंह देखने को मिलते हैं। उनको कौन सा आगे सोहेल खान मिलता है, अरबाज खान मिलता है, ये पीतल का पतीले जैसा मुंह है। देखिए इस दुर्व्यवहार के लिए आपको 2 मिनट के लिए सस्पेंड किया जाता है। आप 2 मिनट के लिए कुछ नहीं बोलेंगे, ठीक है? देखो अब तो बोलना भी नहीं है, बदला ले लीजिए। मैं कह रहा हूं बदला लेने पे आएगा सारी चीजें गिरी रहेंगे, किस किस को समेट के दूंगा आपको मैं। मैं तो कहता हूँ जो सामान आपने लगाया हुआ है उनको दे दो, वो घर जाके लड़की बना लेंगे। अच्छा जब तक हम बातें कर रहे थे तुम जाके मुंह धो के आ सकते थे। तुम इधर ही खड़े हो। अरोड़ा साहब सवाल पूछ लूं मैं अगला? हाँ जी बेटे पूछो, तुम सवाल पूछने आए दुनिया में। मेरा अगला सवाल ये है कि पहले फिल्मों में सलमान भाई ऋतिक जैसी बॉडी वाले हीरो आते थे, लेकिन जब से नवाज भाई आप आए हैं इंडस्ट्री में आपने ट्रेंड ही चेंज कर दिया है, तो क्या वो दिन दूर नहीं है कि किसी दिन मैं भी फिल्म में आकर हीरोइन के साथ रोमांस करूंगा? बेटे अच्छा मैंने वो दिन तो बहुत पहले कहा उसके लिए मुझे माफ कर दो, पर मैं आपको चप्पल मानना चाहूंगा इस बात के लिए। आपने बहुत गंदा सवाल पूछा। ये तुम्हारा जैसा मुंह है बेटे, तुम दरगाह पे बाहर जाओ लोगों को दुआएं दो, तुम्हारा 750 रुपया नहीं बने तो मैंने तुम्हें मारना बेटे। मैंने मारना है इतनी गंदी बात की ना बेटे, लाओ मैं तुम्हें मुंह साफ कर दूं। इसमें बहुत ज्यादा गंदी बात की इसने, मुझे पसंद नहीं आई। हम इस बात में इनका समर्थन देते हैं और हम आपको कुछ कहना चाहते हैं। क्यों नहीं है अब मेरी बात सुनिए, आप उधर बैठिए प्लीज बिहेव कीजिए। मेरी बात सुनिए एक मिनट। अरे रुक जाइए यार, आप बात कीजिए जब आपका। मैंने बेटे मारे कर रहा है, मैंने बेटे तुम्हारे मार दिया है। तुमने बड़ा गंदा सवाल पूछा है यार। आप बेटे मैं कह रहा हूं भाई मैंने गलत सब क्वेश्चन नहीं, वो सवाल गलत था। कराइए चलिए
आप तो मेरा साथ दो, आप कितनी रिस्पेक्ट मैंने की है, ट्रेंड चेंज करवाया मैंने आपसे। मैं सबसे दरख्वास्त करना चाहूंगा, मैं एक्चुअली दिल्ली में रहता हूँ, मैं कभी कभी आता हूँ, एम ए आई लव यू, तो आइए एक एक सेल्फी लेते हैं, आइए बहुत सेल्फी लेनी मैंने बहुत ज्यादा। क्या नहीं आप रहने दो बेटे। बेटे बहुत बहुत थैंक यू। तो एक बार जोरदार तालियां विक्की अली के लिए, और बेटे ये मूंछ मुझे आपके लिए मैं दे रहा हूँ, बहुत ज्यादा पसंद है। सोहेल भाई, अरबाज भाई, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच एमी, थैंक यू सो मच नवाज भाई, आप शो पे आए और हमें बहुत मजा आया, उम्मीद है आप सबने भी इंजॉय किया होगा। सो आप लोग जाइए, घरों से बाहर निकलिए, और फ्रिकी अली जो है वो रिलीज हो चुकी है, आप जाके देखिए, और थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच, और ऑल द बेस्ट भाई, मजा आया आपसे मिलके। हम लोगों का सैटरडे शो 9 PM बर्बाद करने का आप ही हो। कोई घर से नहीं निकलता आपकी वजह से। इट्स अ माइंड ब्लोइंग शो कपिल, यू आर फैंटास्टिक, थैंक यू। आप सब लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और देखते रहिए द कपिल शर्मा शो। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।